न्यूज़ में हूं आपके साथ। अग्रेल रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि समझा जा सकता है कि मतदान नहीं करने वाले दिग्विजय सिंह लोकतंत्र और संविधान में कितना विश्वास करते होंगे। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय राजा ने गजब कर दिया, इतना घबराए हैं कि वोट डालने नहीं गए, भोपाल में ही पोलिंग पोलिंग घूमते रहे, लेकिन मतदान लोकतंत्र में हमारे लिए परम कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो 10 साल वहां का सीएम रहा हो, वोट न डाले तो लोकतंत्र के प्रति उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह आपको बता दें कि रविवार को उनके गृह क्षेत्र लोहागढ़ में जाकर के मतदान नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने पुष्टि करते हुए मीडिया के सामने नागरिकों से क्षमा याचना भी की। आपको बता दें कि चौहान दशहरा मैदान पर बीजेपी की प्रत्याशी शंकर लालवानी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में सातवें चरण की 8 सीट के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी को भरोसा है कि वो आखिरी चरण में आधी सीट भाजपा से छीनने में सफल रहेगी। पार्टी को खुद साथ भाजपा के असंतुष्टों पर भी भरोसा है, क्योंकि भाजपा ने कई सीट पर जहां मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों पर दांव लगाया है, वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव में कई नए प्रत्याशियों को कर दिया है। खंडवा, खरगोन, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर और इंदौर में आखिरी चरण में वोट पड़ेंगे कांग्रेस के पास। इनमें से सिर्फ रतलाम सीट है, यहां कांतिलाल भूरिया सांसद हैं। रणनीतिकार मानते हैं कि रतलाम में स्थित बेहतर है कांग्रेस की। आखिरी चरण में सबकी नजर इंदौर सीट पर है, क्योंकि यहां पर भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का टिकट काट कर शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से पंकज सिंघवी को टिकट दिया है। ऐसे में यहाँ महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। बिहार में सातवें चरण के 8 संसदीय सीटों के 37% उम्मीदवार करोड़पति हैं। आपको बता दें कि 57 उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ से ज्यादा की चल व अचल संपत्ति है। कांग्रेस उम्मीदवार सीने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा से 5 गुना अधिक संपत्ति निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा के पास है। पाटलिपुत्र से उम्मीदवार श्री शर्मा के पास सर्वाधिक 1,107,58,33,109 रुपए की चल अचल संपत्ति है। रविवार को बिहार इलेक्शन वॉच एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। एनडीआर ने सातवें चरण के प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में इस चरण के कुल 157 उम्मीदवारों में 153 के शपथ पत्रों का अध्ययन किया गया है। सासाराम से भाजपा प्रत्याशी छेदी पासवान व अन्य 3 प्रत्याशियों के शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने रोहित के फैसले को गलत साबित करते हुए मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन बनाने के स्कोर पर रोक दिया। चेन्नई के लिए आखिरी ओवर तक सब सही जा रहा था, लेकिन शेन वॉटसन 80 रन बनाकर आउट होते ही उनकी बाजी पलट गई। आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। लसित मलिंगा ने इसी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को पग बांध आउट कर मुंबई के खाते में चौथा आईपीएल खिताब डाल दिया। चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट पर 148 रन ही बना सकी और ये मैच अपने हाथ से उसने गवा दिया। तो फिलहाल फाइनल मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। चुनाव आयोग ने मंत्री गिरिराज सिंह को उनके विवादास्पद बयान के लिए चेतावनी दी है। आयोग ने उन्हें चुनाव के दौरान अपने बयानों को लेकर के सावधानी बरतने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि गिरिराज सिंह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्हें कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गिरिराज सिंह ने 24 अप्रैल की एक रैली में मुस्लिम समुदाय पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 25 अप्रैल को गिरिराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को गिरिराज सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। अपने चुनावी भाषण में गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने सोमवार को पहली बार मध्य प्रदेश के राजनीतिक दौरे पर हैं। वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगी और रतनाम में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करेंगी, जिसमें उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी आज दोपहर 12:45 से 1:15 तक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचकर दोपहर 2 से 3 बजे तक कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा में मौजूद रहेंगी। जानकारी के अनुसार इसके बाद वो यहां से हेलीकॉप्टर से इंदौर पहुंचेंगी और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में शाम 4 से 6 बजे तक के रोड शो करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा महाजन के कुशल सदन संचालन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बीजेपी में केवल महाजन ही हैं जो उन्हें डांट लगा सकती हैं। पीएम मोदी ने यहां भाजपा की चुनावी सभा में कहा कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ताई यानी कि महाजन का लोकप्रिय नाम और मराठी में बड़ी बहन का संबोधन ने बड़ी कुशलता और संयम से कार्य किया है। इसी के कारण उन्होंने सब लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ दी है। आशा के अनुसार उन्होंने मंच पर मौजूदगी में कहा कि आप सब श्रोताओं तो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारी पार्टी में अगर मुझे कोई डांट सकता है तो वो ताई ही है। मोदी ने कहा कि मैंने और ताई ने भाजपा संगठन में साथ साथ काम किया है। कार्य के प्रति उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए मैं इंदौर को विश्वास दिलाता हूं कि शहर के विकास के मामले में ताई की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे यानी अरविंद के साथ इतना ही। दीजिए इजाजत और बाकी की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ओएनएन न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ओएनएन न्यूज और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें।